आज मैं आपको बता रही हूँ धोती सलवार की कटिंग कैसे करते हैं। ये सलवार देखो आप, बनियन की सलवार है ये, इसमें मैं कटिंग करूँगी। तो ये देखो ये कपड़ा ऐसे है ना, ये दोनों किनारी अपने को एक साथ कर लेनी है इसकी। एक साथ करने के बाद ये कपड़ा कुछ ऐसे हो जाएगा। ऐसे होने के बाद बंद वाली साइड ऊपर कर दे, और ये जो खुली साइड है दोनों तरफ की, ये वाली खुली साइड है, यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल सा बना ले इस तरह। देखिए ये ऐसे बन गए, ये देखिए ये करीब 5 इंच के लगभग ये कपड़ा ऊपर बचा है इसमें। अभी आपको ये दिखाऊँ इसकी लंबाई कैसे देखते हैं वो दिखाऊँ, तो ये 5 इंच ऊपर निकाल देंगे। ये सलवार मैं तैयार करूँगी 38 इंच के लिए, तो इसका बेल्ट 5 इंच ऊपर निकालेंगे, बाकी ये नीचे का है पूरा रखूँगी इसका वहाँ तक लास्ट तक। वैसे ही मेरे को 38 इंच तैयार रखनी है, तो ये नीचे वाला पूरा वैसे ही तैयार रहेगा। इधर थोड़ा सा ऐसे ये कट कर देंगे, इसको हटा देंगे। ये 2.5 इंच देखिए, इधर से 2.5 इंच पे लगभग 8.5 के समथिंग सीट का निशान नहीं। ये इसका बेल्ट हो गया। बेल्ट इसका 5 इंच का ही तैयार रखना है, और 5 इंच का ऐसे करके फोल्ड करेंगे, तो 5 इंच का ही बचेगा इसमें। सिलने के बाद ये ऐसे इसमें 10-15 सल डाल देंगे करके छोटे छोटे करके, तो ये बिल्कुल टोपी जैसा लुक आ जाएगा। अगर पहनने के बाद सिलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, हो सकेगा तो मैं आपको सिलते वक्त भी इसकी दिखाऊंगी। कटिंग इसकी यही रहेगी।